गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली करोल बाग एरिया में, और हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीएफसी प्रोसीजर किया कैसे जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत पेशेंट्स ने हमको डिमांड भी करी कि सर आपको एक वीडियो बनाओ जिसमें आप जीएफसी करते हुए हमको देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे असिस्टेंट के हाथ में वाइब्रेटर है और मेरे हाथ में इंजेक्शंस है। ऑलरेडी जीएफसी प्रिपेयर्ड है जिसकी हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है। तो ये जीएफसी प्रिपेयर होने के बाद एक छोटे छोटे इंसुलिन सिरिंजेस में ना डाल देते हैं। इंसुलिन सिरिंज वो होते हैं जिसका बहुत ही फाइन नीडल होती है और जो मतलब काफ़ी हद तक पेनलेस होता है, और एक वाइब्रेटर हम लोग यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर करने से क्या होता है कि पेन बहुत ही कम होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेशेंट का ये एरिया में बहुत ही कम बाल है, जो बाल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो हम उसी एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेट कर रहे हैं। बाकी एरिया में भी जीएफसी हम करेंगे, लेकिन उस एरिया में थोड़ा कम जीएफसी करते हैं और जो एरिया में कम बाल है उसमें ज़्यादा जीएफसी करते हैं। एक प्रॉपर स्टेराइल इन्वायरमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में जीएफसी होता है, जिससे आपका जो है कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और पेशेंट आपके सामने कंफर्टेबली लेटा हुआ है, कोई उसको पेन नहीं हो रहा, हमने कोई इसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक वाइब्रेटर की बात करते हैं। अगर किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं पेशेंट को, तो वो हमारे ऊपर होता है, जैसा कि पेशेंट कंफर्टेबल होता है वैसा करते हैं। और ये प्रोसीजर हार्डली 15-20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, इसके बाद पेशेंट आप आराम से अपने घर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जीएफसी या पीआरपी के रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमको कॉल कर सकते हैं और हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक